What is up, man? कैसे हो आप लोग? सो वेलकम बैक टू माई चैनल. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का. जो नए हैं उनका स्वागत है, और जो पुराने हैं उनको मैं क्या बोलूँ. मतलब झेल लिया तुमने मुझे भाई. ये मेरी वीडियोस बार बार देख पा रहे हो तुम, क्यों मैं खुद नहीं देख पाता, तुम कैसे देख पा रहे हो. सो यप, आज का क्या होने वाला है? आज मैं कर रहा हूँ चेकिंग, ठीक है. अभी मेरी जो साउंड है, मैंने बहुत कमेंट पढ़े कि मेरी साउंड बहुत बेकार आ रही है, तो दिखाता हूँ मैंने तुम्हें क्या लिया. मैंने माइक, लाइट और भी सामान लिया है, पर अभी तुम लाइट और ये सब देख लो, ठीक है. और भी दिखाता हूँ तुम्हें क्या लिया मैंने, ठीक है. सो आई गॉट दिस टॉवल. तो आई थिंक ये पड़ा मुझे $19 का, यानी ₹2000 का. और ये बेल्ट, ये मुझे $20 की पड़ी. तो और ये किट ली है मैंने पूरी, दिस कॉल्ड व्लॉगिंग किट. ये लड़की बनी हुई थी इसमें, पर मैं भी ऐसे दिखता हूँ जब मेरे लंबे बाल हो जाते हैं. क्या बोल रहा हूँ मैं, बकचोदी कर रहा हूँ. तो ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ माइक के साथ, मेरी आवाज़ देखते हैं डिफरेंट आती है. ये लाइट है, ठीक है. और देखो कंजूसी कितनी है, ठीक है. मुझे लग रहा था लाइट में कोई बटन वटन होगा जलने का, पर भयंकर इसके पीछे ये देखो, देख रहे हो इसके पीछे कहाँ है ये, खुल नहीं रहा है भयंकर. रुको, खुल जा भाई. ये देखो यहाँ इसके पीछे लगेंगे सेल, और मुझे सेल भी अलग से खरीदने पड़ेंगे $5-10 के. तो भाई इन्वेस्टमेंट इतनी है, यूट्यूब का चैनल चल नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट करा लो, यूट्यूब चलाओ मत, यही तो चाहिए भयंकर लाइफ में. चलो कोई नहीं, विदाउट लाइटिंग चेक करते हैं, पहले माइक चेक करता हूँ. तो आज मैं बन गया हूँ रिपोर्टर. आई डोंट नो मेरी आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी या नहीं, बट लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि माइक तो लगा है पर आई डोंट नो. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है डिफरेंट? क्लियर आ रही है? क्लियर, देखते हैं अभी. तो गाइस, अब मुझे तुम्हारी मेरी आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई देगी, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है फाइनली. पहले तो मैं ऐसे स्टैंड करता हूँ और इस माइक को ज़्यादा पास नहीं, थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि मेरी आवाज़ ढंग से आए. पर आई डोंट नो यार, इसको कहाँ फिक्स करूँ मैं, मुझे समझ भी नहीं. फक, फ़ोन गया था अभी मेरा. ओ भाई माइक, यू आर जस्ट लाइक ओके, नाउ आई गॉट इट. माइक का कहाँ फिक्स करना है? ओ भाई देखो ब्रो, स्टे स्टेबल. वेट, इसको मैं ऐसे खोल देता हूँ, तब शायद से ज़्यादा अच्छा होगा. यप. सो गाइस, फाइनली इन्वेस्टमेंट. आई डोंट नो, आई थिंक मैंने अराउंड ₹5000 मान के चलो लगाए हैं, पर देखते हैं 5000 का रिटर्न कितना आता है, क्योंकि भाई कुछ लगाया तो कुछ वापस तो चाहिए, ऑफकोर्स ये बात है. और वापस में मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम लोगों का टाइम चाहिए. सो यप, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, और जल्दी एक वीडियो आने वाली है, वो है किसके ऊपर. अब बात करते हैं न्यूजीलैंड आने की, टोटल मतलब आईलेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसके ऊपर वो वीडियो, ठीक है. तो यस, आज का दिन ख़त्म हो गया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने दिन में, बट जो भी हुआ है सही हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो गई है. लिटरली जो कमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और अब ज़्यादा नहीं, आई थिंक विद इन वन वीक, एक वीक दे दो मुझे, मैं तुम्हें पूरा वीडियो देता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड पहुँचा कैसे, स्टेप बाय स्टेप. इसमें मैं बहुत चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि अगर तुम्हें न्यूजीलैंड आना है तो तुम्हें कैसे आना है, और स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना है तो स्टूडेंट के लिए ही है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हुआ है, तो मैं स्टूडेंट में आया हूँ, तो उसी से तुम्हें पूरा रिलेटेड बताऊँगा, अपना 1-1-1 करके सारे स्टेप, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम फंड्स टू टिकट, कि टिकट कितनी भी बुक हुई है और टिकट कितने की पड़ती है. तो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और आई थिंक ये माइक काम कर रहा होगा. Goodbye and see you. Take care, bro.